बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल अनम सलमान फूड डायरीज। उम्मीद करती हूँ आप और आपकी फैमिली अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में होगी। आपसे दरख्वास्त है कि आप मुझे और मेरी फैमिली को भी खसूसी दुआओं में याद रखें। गर्मी का मौसम चल रहा है और इस मौसम में जहाँ गर्मी से हम सब बहुत परेशान होते हैं, वहीं अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत ये होती है कि इस मौसम में हमें ऐसा फल दिया जाता है जिसे फलों का बादशाह कहा जाता है। यकीनन आप समझ गए होंगे कि मैं आम का जिक्र कर रही हूँ। इस हवाले से हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैं आपसे कुछ ऐसी रेसिपीज शेयर करूंगी जिसमें आम का इस्तेमाल होगा। इस सेशन का नाम मैंने रखा है मैंगो मेनिया। आम एक ऐसा फल है जो शाजो नादिर ही किसी को नापसंद हो, बड़े बच्चे हत्ता के गालिब भी इसके दीवाने थे। तो आइए आज मैं हल्की फुल्की जल्द अज जल्द से बनने वाली डिश आपसे शेयर करती हूँ। हमारी आज की रेसिपी का नाम है आड़ू और आम की चाट। यकीनन ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारी मजीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम और आड़ू की चाट बनाने के लिए मैंने आम लिए हैं 4 अदद, आड़ू लिए हैं 5 अदद। फ्रूट की क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें दो चीजों का ख्याल रखें कि फल ज्यादा गला हुआ ना हो, मतलब बहुत ज्यादा पका हुआ ना हो, क्योंकि अगर फल बहुत ज्यादा गला हुआ होगा तो वो चाट में घुल जाएगा, और बहुत ज्यादा कच्चा फल भी ना हो। आड़ू की चाट बनाने के लिए मैंने चीनी ली है 6 टेबल स्पून। इसको आप अपनी मर्जी के हिसाब से जिस तरह से मीठा पसंद है एडजस्ट कर सकते हैं। चाट मसाला मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। अगर आपको मिर्चें ज्यादा पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी ज्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने नमक लिया है हसबे ज़रूरत, एक चुटकी सा नमक लिया है, और लेमन मैंने लिया है 1/2। लेमन भी अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप ऐड कर लें, और अगर आपको खट्टा नहीं पसंद तो आप बेशक नींबू ना डालें। आइए अब हम चलते हैं आम और आड़ू की चाट के प्रिपरेशन की तरफ। फ्रूट्स को इस तरह से हम पील ऑफ कर लेंगे, इसी तरह हम आड़ू को भी पील ऑफ कर लेंगे। फ्रूट्स की क्वांटिटी को आप अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप आड़ू ज़्यादा डालना चाहें या कम डालना चाहें तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ही इजी सी रेसिपी है। इस तरह से आम और आड़ू को मैंने पील ऑफ कर लिया है। अब हम आ जाते हैं इसकी कटिंग की तरफ। इस तरह से फ्रूट्स को हम पहले स्लाइसिस में कट कर लेंगे, और फिर इस तरह से इनको हम इन साइजेस के क्यूब्स में कट कर लेंगे। इसी तरह हम आड़ू को भी स्लाइसिस में कट करके क्यूब्स में कट कर लेंगे। अगर आड़ू में बीच में रेड वाला पोर्शन है तो वो आप हटा देंगे। इसी तरह से हम सारे आड़ू कट कर लेंगे। फ्रूट्स इस तरह से क्यूब शेप में कट करके मैंने एक मिक्सिंग बाउल में डाल लिए हैं। इसमें अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देती हूँ। चीनी, साथ ही इसमें जाएगा नमक, चाट मसाला, साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा नींबू के कतरे ऐड कर रही हूँ। अगर आड़ू थोड़े से खट्टे हों तो आप बेशक लेमन ऐड ना करें। अब मैं इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से ऐड हो चुके हैं, और उसमें जो हमने चीनी ऐड की है वो थोड़ी देर तक घुल जाएगी और इसका एक मजेदार सा शीरा बन जाएगा। आम और आड़ू की चाट रेडी हो चुकी है। इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा क्रीम और पिस्तों के साथ गार्निश किया है। ये फ्रूट क्रीम नहीं है इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी क्रीम डाली है कि थोड़ा सा कलर ऐड हो जाए। इसे मजीद मजेदार बनाने के लिए इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ठंडा करके सर्व करें और लुत्फानंदोज हो। अब मेरा बेटा आपको टेस्ट करके बताएगा कि चाट कैसी बनी है। अब्दुल वासे खा के बताएं बेटा। थैंक यू। अगर हमारे दूसरे पसंद आए और सबसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल निकल कर जरूर करें ताकि हमारी मजीद आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।